हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष मुंडल। आप लोग देख रहे हैं वॉलटेक और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी। ये एक ट्राइपॉड है जिसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है कुछ देर पहले ही, और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। बोलूँगा इसका प्राइस, कुछ फीचर्स, और इसके बाद जो भी वीडियो आने वाला है वो सब इस ट्राइपॉड से रिकॉर्ड होंगे। तो फिर चलिए इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो इसके बाद जो पैक था अमेजोन का उसको मैंने हटा दिया है। ये देखिए इस तरफ से काट के, तो इसको साइड में रखते हैं। तो ये है वो ट्राईपॉड, पूरी तरह से बबल पैकेजिंग के साथ आता है ताकि कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे एक सील है, इसको काटना होगा, ये कट चुका है। तो पहले यहाँ पे एक बिल है, ये है वो बिल। यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं, सुभाषी मंडल, और ये BMNB की तरफ से आता है, amazon.in। और यहाँ पे प्राइस लिखी है, इसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है 285 रुपीस। तो फिर अब इसके अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। पहले ये रहा बॉक्स, यहाँ पे ट्राईपॉड की एक ओरिजिनल पिक्चर दिखी हुई है, और यहाँ पे कुछ इसके फ्यूचर की है, और यहाँ पे लिखा है ट्राईपॉड 3110। ये देखिए ये है वो सब फ्यूचर, थ्री वे हेड, बटल इन लेवल, 3 सेकेंड्स एल्युमिनियम स्टील, और यहाँ पे और कुछ फीचर लिखी हुई है। ये देखिए ये 420 kg का वेट तक सहन कर सकता है। ये और यहाँ पे और कुछ लिखी हुई है, जैसे 3-way, 4-section leg, क्विक लेवल लॉक, रबर ग्रिप और कुछ, और इसमें और भी कुछ नहीं लिखा। तो फिर इसका अनबॉक्सिंग आप शुरू फिर से करते हैं। तो इसको खोलते ही हमारा जो निकल आता है, आपको इसके साथ एक अच्छी बात मिलती है कि आपको इसके साथ एक कैरी बैग भी मिलता है। देख सकते हैं ये कैरी बैग है। तो इसको खोलते हैं और ये रहा निकल रहा है, ये रहा हमारा ट्राइपॉड इसके साथ। और आपको और ये तो और भी और बात है कि आपको इसके साथ एक लॉक भी मिलता है मोबाइल होल्ड करने के लिए। ये देखिए और ये है वो ट्राइपॉड, देख सकते हैं ये वो ट्राइपॉड है। ये देखिए ये वो ट्राइपॉड है। तो फिर मैं इसको जल्द ही सेटअप करके आया आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत हैंडी सा है, लेकिन जब मैं इसको पूरी तरह से सेटअप करूँगा ये बहुत लंबा होने वाला है। तो फिर चलिए इसको फिर से सेटअप। तो ट्राईपॉड है, देखिए इसके 3 एडजस्टेबल लेग है। तो ये है उसका मोबाइल होल्डर। बहुत लोगों को इसको होल्ड करने में प्रॉब्लम होते हैं, मैं उनको सिखा दूंगा कि इसे कैसे माउंट करते हैं ट्राइपॉड साथ। पहले इसकी हम पूरी तरह से चेंज दे लेते हैं। ये देखिए इसको पहले ऐसे उठाना होगा, और इस तरफ और एक नॉब है, अगर आप इसे ऐसे ढीला करते हैं तो फिर ये और बंद हो जाता है। तो फिर आप देख सकते हैं इसकी थोड़ा लाइट मेरे चेस्ट से थोड़ी नीचे आती है, और आप इससे कोई DSLR कैमरा होल्ड नहीं कर सकते, नॉर्मल मोबाइल होल्ड कर सकते हैं। ये देखिए ये है वो ट्राईपॉड, आप देख सकते होंगे। ये देखिए ये है वो ट्राईपॉड, मैंने इसे फोल्ड किया है
अब मैं आपको सिखाऊंगा कि से इस बगल को कैसे इसके साथ अटैच करते हैं। तो भाई चलिए, पहले हमें इसे ऐसे ढीला करना होगा और इसको ढीला करके ऐसे उठाना होगा, और फिर पहले आपको इसे ढीला करना होगा और फिर इसको इसके ऊपर आपको पहले इसे ढीला करके पूरी तरह से बाहर ले जाना है, और फिर आपको इसके ऊपर धीरे धीरे ऐसे अटैच करना होगा। ये देखिए, ये अगर हो जाए फिर आपको इसे ऐसे टाइट करना है। टाइट होने के बाद ये पूरी तरह से अटैच होगा। ये देखिए अटैच हो चुका है, और ये देखिए ये पूरी तरह से अटैच हो चुका है इसके साथ। अब मैं इसे ऐसे ही ला सकता हूँ इसे। पहले ना ये देखिए, और इसकी और एक खासियत है वो मैं आपको दिख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक आपको बबल रैप दिख रहा होगा। ये देखिए आपको जो ट्राइपॉड एकदम बराबर है क्या, उसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक बबल इंडिकेटर दिख रहा होगा। इसके आप इसको एकदम पूरी तरह से सीधा कर सकते हैं। तो ये है वो एक्चुअल ट्राइपॉड। ये देखिए ये है वो ट्राइपॉड। इसके साथ आप जो आपका DSLR कैमरा या फिर जो भी कैमरा बड़ा तरह से जो कैमरा है, आप इसको उसके साथ होल्ड नहीं कर सकते। इसके साथ आप आपके जो छोटे छोटे मोबाइल हैं वीडियो करने के लिए, उसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये वैसे बहुत ही हैंडी ट्राइपॉड है, कम रेंज में अच्छा ट्राइपॉड है। तो फिर आशा करके बार वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर नीचे जल्दी से सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा के इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको ये ट्राइपॉड कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।